आप लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा है कि किस तरीका से 2D गेम बनाया जाए। वैसे तो ये सवाल बहुत बड़ा है जिसका जवाब मैं एक वीडियो में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ आपको इस वीडियो में एक डायरेक्शन जरूर दूंगा कि आखिर यूनिटी का यूज करके 2D गेम बनता कैसे है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा 2D के बारे में जो शायद ही आपको पता होगा। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से आज के ज़माने में गेम बनाना कोई उतना बड़ा बात नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी जो कि समझदारी है कंप्यूटर चलाने का, वो बड़ा आसानी से यूनिटी का यूज़ करके गेम बना सकता है। 2D कम से कम तो बना ही सकता है, उसको बस चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यूनिटी का यूज़ करके आप भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गेम बनाना सीख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं उसी डायरेक्शन में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, यूनिटी में जो भी वर्क फ्लो होता है गेम बनाने के लिए, वो बेसिकली दो तरीका से होता है। पहला टाइल बेस्ड और दूसरा स्प्राइट बेस्ड। टाइल बेस्ड में बेसिकली हम लोग एक ग्रिड में काम करते हैं, जिसमें बेसिकली अलग अलग कॉम्पोनेंट का एक सेपरेट सेपरेट टाइल्स आता है, जिसको ग्रिड में हम लोग सजा करके चीज़ों को पजल के जैसा अरेंज करके गेम बना सकते हैं। ये जो गेम है इससे काफ़ी ज़्यादा फास्टली तैयार होता है, और तो और खास बात ये है कि इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और आप बड़ा आसानी से इसे बना सकते हैं। लेकिन इसका जो यूजेज होता है वो लिमिटेड होता है, इसमें जो जो भी कस्टमाइजेशन का सिस्टम रहता है वो लिमिटेड होता है। लेकिन स्प्राइट बेस्ड में आप अपना खुद का कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने अनुसार से उसमें फिजिक्स ऐड कर सकते हैं, उसमें कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से एनिमेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है बाकी चीज़ों से, बाकी टाइल बेस्ड अप्रोच से। ये स्प्राइट बेस्ड गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है यदि आप उसमें समय दे तो। जाहिर बात है इसमें सभी चीज़ों को कस्टमाइज आपको खुद से करना पड़ता है, आप जो चाहे आप वो इसमें कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, तो जाहिर बात है इसमें समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन खैर, कोई भी वर्क फ्लो में आप काम करें, हम लोगों को सबसे पहले यूनिटी में प्रोजेक्ट खोलना होगा। तो मैं यूनिटी किस तरीके से डाउनलोड करूँ और किस तरीके से आप उसमें आईडी बना सकते हैं और इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। यूनिटी हब डाउनलोड कर लेने के बाद आप यहाँ न्यू पर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको 2D पर क्लिक करना है और यहाँ कोई भी नाम दे दीजिए, क्योंकि आप को मैं सिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ एग्जाम्पल 2D ले लेता हूँ। एंड देन एग्जाम्पल 2D लेने के बाद आप बेसिकली यहाँ पर जो भी आप नाम ले सकते हैं, एक डेस्टिनेशन चूज कर लीजिए और क्रिएट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्रिएट करते हैं तो ये कुछ समय लेने के बाद बेसिकली आपका सारा टेम्पलेट वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह सब इंपोर्ट करके एक प्लेटफॉर्म देगा जहाँ आप 2D गेम बड़ा आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, जब कभी भी आप यूनिटी को खोलते हैं तो बेसिकली कुछ इस तरीके का आपको बैकग्राउंड दिखता है। यहाँ मैंने नेविगेशन के बारे में और भी बहुत सारे एसेट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कंसोल क्या होते हैं, मेन कैमरा क्या होता है, हायरार्की क्या होता है, ये सारे नेविगेशन बार ये सब के बारे में मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच द प्रीवियस वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड ऑलमोस्ट 1 month अगो। ओके, आपको वो वीडियो जरूर वॉच करनी चाहिए, क्योंकि वो वीडियो में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। आज मैं बेसिकली एक प्रोजेक्ट पर काम करूंगा और आपको बताऊंगा कि बेसिकली यूनिटी में 2D गेम बनाने का मामला क्या है, आप किस तरीके से बना सकते हैं, वॉट आर द सम कैजुअलिटीज फॉर्मेलिटीज दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू मेक द गेम वॉट एवर यू वॉन्ट। इफ़ यू हैव एनी आइडिया देन यू कैन फॉलो दिस वीडियो इन ऑर्डर टू डेवलप योर गेम ऑफ योर ओन। देन सिंपली मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल बताऊँगा एसेट स्टोर का इस्तेमाल करके। बेसिकली एसेट स्टोर एक ऐप होता है, मतलब बेसिकली एसेट स्टोर गेम्स का सीन होता है, जिसमें आप बड़े आसानी से अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपना खुद का लेवल बना सकते हैं और खुद का एक 2D गेम का सैंपल बना सकते हैं, जिसमें बेसिकली आपको, यदि आप बिगिनर हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर यूनिटी में गेम बनता कैसे है, उसमें बाकी सारी चीज़ें कैसे ऐड की जाती हैं, गेम में चीज़ें मोशन कैसे करती है, उनमें एनिमेशन कैसे ऐड होता है, कोई चीज़ फॉल कैसे करता है, कोई कोलाइड कैसे करता है। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको जानने के लिए एसेट स्टोर में बहुत सारे फ्री में आपको गेम्स के एसेट्स मिलते हैं,
जैसे कि कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे फैंटेसी मेडिवल कैरेक्टर पैक, आपका सनी लैंड, फ्री ऐसे 2D हैंडक्राफ्टेड आर्ट, रैप्ड केव्स, निंजा स्प्राइट सेट, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छे गेम एसेट के बारे में, जिसका नाम है फ्री प्लेटफॉर्म गेम एसेट्स। फ्री प्लेटफॉर्म गेम एसेट्स बेसिकली ये मतलब बेसिकली एक ऐसा गेम है, एक ऐसा एसेट है जिसका यूज़ करके बेसिकली मैं आज आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ों को। वैसे तो आपको फ्री प्लेटफॉर्म गेम एसेट सर्च करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। आपको यदि आप नए हैं तो आपको अकाउंट वगैरह बनाना पड़ सकता है। आप अकाउंट वगैरह बना लीजिए, लॉगिन कर लीजिए एंड देन इसे डाउनलोड कर करके इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे आप इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ पूछे जाएंगे, आप कौन कौन से पैकेजेस लेना चाहते हैं। तो आप इंपोर्ट ऑल पर क्लिक करके सभी चीज़ों को चेक मार्क करके आप सभी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आप किन किन पैकेजेस को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ आप सभी चीज़ों को इंपोर्ट करना चाहते हैं और इंपोर्ट ऑल पर पूरा क्लिक कर दीजिए, ये सारा जो भी पैकेजेस है वो इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप फ्री प्लेटफॉर्म गेम एसेट्स को आप डाउनलोड कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट करने के बाद ये बाइट गेम्स में बेसिकली एक फोल्डर है जिसमें आपके सारे एसेट्स एसेट्स रहते हैं। और यहाँ फोल्डर के अंदर फोल्डर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, सब फोल्डर के अंदर इमेजेस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जिसे आपको यूज़ करना है। और बेसिकली इन सारी चीज़ों का यूज़ करके ही एक प्रॉपर गेम बन पाता है। और किस तरीके से यूज़ करना है बेसिकली अब मैं आपको ये बताऊंगा, और बेसिकली एक लेवल कैसे गेम में क्रिएट किया जाता है मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। यानी आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा जायकेदार होने वाला है, प्लीज़ गिव अ थम्स अप। एंड यहाँ बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले एक डेमो सीन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डेमो सीन, बेसिकली यहाँ एक डेमो सीन आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये डेमो सीन बेसिकली बताएगा कि किस तरीके से मतलब जो गेम है वो किस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं और बेसिकली गेम का मतलब क्या बैकवर्ड रहता है, क्या फॉरवर्ड रहता है और बेसिकली गेम में है क्या, पूरा सीन यहाँ पर आपको डेमो सीन में दिखाएगा। तो यहाँ बेसिकली अब मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, दो बेसिक चीज़ें बताऊँगा। पहला रेक्ट टूल के बारे में, यानी कि जब कभी भी आप चीज़ों को एडिट करते हैं, रेक्टेंगुलरली एडिट करते हैं, तो आप रेक्ट टूल का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस चीज़ को रेक्ट टूल के मदद से मैं इसे मतलब एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसे मूव कर सकता हूँ और तो और मैं इसे बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं रोटेट भी इन सारी चीज़ों को कर सकता हूँ, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं रोटेट कर सकता हूँ। और रेक्ट टूल में बेसिकली हम लोग चीज़ों को एडिट करते हैं, चीज़ों को बड़े कर सकते हैं, चीज़ों को छोटे कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं जब यूनिटी में मतलब काफ़ी ज़्यादा बिगिनर था तो मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था कि ये सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह हटाया कैसे जाए। जैसे ग्रिड, मैं थोड़ा इसे जूम जूम करना चाहता हूँ, चीज़ों को ड्रैग ड्रैग अप करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। इसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हैंड टूल, यहाँ पर बेसिकली आप चीज़ों को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, चीज़ों को बड़े आसानी से जूम कर सकते हैं और अपने अनुसार से चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। और यदि आपको किसी चीज़ को एडिट करना है तो आपको रेक्ट टूल में जाना होगा, फिर आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, चीज़ों को इधर से उधर हटा सकते हैं या चीज़ों को आप बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखने काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पर बेसिकली आप 2D पे जाएंगे तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो बेसिकली 2D गेम है। और आप यहाँ पर गेम में जाने के बाद आप चीज़ों को प्ले कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिकली पता चलेगा कि गेम में बेसिकली है क्या और आप किस तरीके से मतलब इसका बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं। वैसे गेम में है ना एक सीन है, डेमो सीन, जिसमें कोई एनिमेशन वगैरह नहीं है। यहाँ मैं एनिमेशन करवाऊँगा, कॉइन्स को फॉल करवाऊँगा और भी बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होंगी। प्लीज़ कैरी ऑन दिस वीडियो टिल दी एंड सो दैट यू कैन लर्न एवरीथिंग वट एवर आई एम ट्राइंग टू मेक यू
अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली किस तरीके से कंपोनेंट ऐड करते हैं, किस तरीके से गेम ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं और भी बाकी चीज़ें कैसे करते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूँ और मैं एक सीन ले लेता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ सैम्पल सीन मैं एक यहाँ सैम्पल सीन ले लेता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ जब कभी भी सैम्पल सीन आप चूज़ कीजिएगा तो ये पूछेगा कि आपने जो भी चेंजेस को सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो डोंट सेव पर आप क्लिक कर दीजिए, उसे सेव करके क्या फ़ायदा होगा। तो ये हो गया हम लोगों का बेसिकली एक सैम्पल सीन जहाँ कुछ नहीं, और ये कैमरा है, कैमरा इन द सेंस गेम व्यू कैसा दिखेगा वो आपको पता चलेगा। लेकिन याद रखिए, मतलब बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा रेक्टेंगुलर, ये गेम सीन होता है। यानी आप यहाँ जो भी कुछ पुट कीजिएगा वो आपको गेम विंडो में दिखेगा। गेम अलग चीज़ होता है और सीन अलग चीज़ होता है। सीन बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, ये प्लेटफॉर्म होता है गेम बनाने का, जबकि गेम आपने जो बनाया है वो दिखाने का सीन होता है। तो मैं बेसिकली जो भी बैकग्राउंड वगैरह ऐड करूंगा, जो भी कंपोनेंट वगैरह ऐड करूंगा, वो सब मुझे इस रेक्टेंगुलर के अंदर ही ऐड करना होगा। यदि मैं यहाँ ऐड करूंगा तो वो चीज़ें मुझे विजिबल नहीं होगी। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैं एक बेसिकली एक इमेज ऐड करता हूँ, टाइल्स ग्रास ऐड करता हूँ। मैं यदि यहाँ रखता हूँ और गेम विंडो में जाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। वही मैं इससे मतलब ग्रिड के अंदर रखता हूँ, रेक्टेंगुलर के अंदर, फिर विंडो में जाता हूँ तो ये विजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगुलर के अंदर ही आपको सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का एक ग्रास ऐड करना। बेसिकली हम लोगों ने एक ग्रास ऐड किया है, मतलब टाइल्स वगैरह से हम लोगों ने ऐड किया है ग्रास। और भी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप टाइल्स वगैरह का यूज़ करके, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप यहाँ सनी लैंड यदि आप डाउनलोड मारेंगे तो वहाँ बहुत सारे टाइल्स, मतलब बेसिकली इमेजेस के अलग अलग टाइल्स रहते हैं। आप उन सारी चीज़ों को पर्टिकुलरली एक वे में अरेंज करके गेम बना सकते हैं। यानी एक बेसिकली एक पजल्स की तरह होते हैं, जिसमें आपको अलग अलग टाइल्स को, अलग अलग मतलब पजल्स को, पैलेट को आपको एक साथ ज्वाइंट करके एक प्लेटफॉर्म बनाना है, एक गेम बनाना है। तो यहाँ मैं बेसिकली जो तरीका से गेम बनाने वाला हूँ उसको कहते हैं स्प्राइट बेस्ड। ये स्प्राइट बेस्ड अप्रोच है। बेसिकली इसमें सारे इमेजेस अलग अलग स्प्राइट में बटे हुए, अलग अलग कंपोनेंट में, अलग अलग इमेजेस में बटे हुए हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग चीज़ों को मतलब बनाना सीख रहे हैं। तो इसे हम लोग स्प्राइट बेस्ड मतलब वर्क फ्लो कहते हैं यूनिटी में। अब चलिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड ऐड करने के लिए आप यहाँ बैकग्राउंड में जाइए, पीएनजी में जाइए, 1920 में जाइए, बैकग्राउंड में जाइए। ये रहा बैकग्राउंड, यहाँ मैं रख देता हूँ बैकग्राउंड। और मैं बेसिकली इसे इस रेक्टेंगल के ठीक बराबर सेट कर दे रहा हूँ ताकि गेम विंडो में एकदम प्रॉपर दिखे। बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाती है अपने बैकग्राउंड को, अपने कॉम्पोनेंट को, अपने गेम ऑब्जेक्ट्स को बैकग्राउंड में शो करने के लिए, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको बता दूं, सीन में गेम्स गेम वाले सीन में भी हमारा जो सीन विंडो है वो एकदम फैंटास्टिक लग रहा है। अब दिक्कत ये है कि हमने जो अभी अभी ग्रास वाला स्प्राइट इसमें ऐड किया था वो इस बैकग्राउंड के पीछे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि वो मतलब बेसिकली एक लेयर के पीछे है, मुझे उसे फॉरवर्ड लाना है। यहाँ बेसिकली इमेज इमेज को मैं मतलब बहुत सारे लेयर्स से आगे कर देता हूँ। यानी यदि इस जीरो का वैल्यू मतलब इससे ज़्यादा रहा तो, क्योंकि यहाँ पर एक ही लेयर है, तो यदि मैं यहाँ वन भी कर देता हूँ तो उसके ऊपर मतलब वन से ज़्यादा रहा तो बेसिकली इस लेयर के मुझे ऊपर दिखेगा। तो मैं यहाँ 10 कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ 10 करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का जो इमेज है, जो ग्रास पैलेट था वो मतलब ग्रास जो स्प्राइट था ग्रास का, वो हमें बड़ा आसानी से विजिबल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को बैकग्राउंड से फॉरग्राउंड में ला सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको इन ऑर्डर टू मेक द यूनिटी। आपको जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चलेगा तो कोई मतलब फायदा नहीं बनता है चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ आप एक सॉर्टिंग लेयर बना सकते हैं, यहाँ प्लस दे करके एक बैकग्राउंड लेयर बना दीजिए।
बैकग्राउंड नाम से आप एक लेयर बना दीजिए, एंड देन यदि आप चाहते हैं कि ये थोड़ा ऊपर रहे, मतलब सबसे पहले ये रहे, तो आप यहाँ बैकग्राउंड ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सीखा मतलब ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर लाया जाए। अब उसके बाद अब मैं यहाँ पर बेसिकली कॉइन्स ऐड करूँगा। कॉइन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉइन वाले सेक्शन में जाऊँगा, कॉइन एनिमेशन, और यहाँ PNG में मैं जाता हूँ, ये मिनिमम साइज़ वाला चूज़ कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारा कॉइन है, और ये सारा कॉइन जो होता है वो टोटल मिलकर कॉइन का एनिमेशन बनाता है जो कि गोल गोल घूमता है। बेसिकली मैं इन सारे मूव करते हुए यानी एनिमेटेड कॉइन्स को यदि मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे कंट्रोल ऑल करके मुझे इन सारे कॉइन्स को इस मतलब जो भी सीन विंडो है यहाँ पर मुझे पुट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर पुट करते हैं तो बेसिकली मतलब यूनिटी जो होता है वो एक फोल्डर क्रिएट करवाना चाहते हैं आपके कंप्यूटर में, ताकि बेसिकली उसको एक मतलब एड्रेस मिल सके कि आपने जो कॉइन चूज किया है वो पर्टिकुलरली इस प्लेस में रखा है। तो लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए आप बेसिकली यहाँ पर आप चूज कर लीजिए। मैं नाम चूज कर लेता हूँ माई कॉइन एनिमेशन से। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जैसे ही हम लोगों ने कॉइन को बहुत सारे कॉइन जो कि थे यहाँ पर, हम लोगों ने एक फोल्डर बना करके एक सिंगल एनिमेटेड कॉइन के तहत अपने सीन में हम लोगों ने ऐड किया। तो यहाँ पर जब हम लोग इसे बेसिकली गेम सीन में जाने के बाद और फिर इसे जब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा कॉइन है वो कुछ इस तरीके से एनिमेशन करता हुआ दिखता है। इस तरीके से बेसिकली हम लोग कॉइन को एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन सारे गेम ऑब्जेक्ट्स में फिजिक्स ऐड कर सकते हैं, ताकि बेसिकली वो अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म कर सके। जैसे वो एक जगह से दूसरे जगह कोलाइड कर सके, एक जगह से दूसरे जगह फॉल कर सके। फिजिक्स को फॉलो करने वाला ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें इसे बेसिकली एक फिजिक्स प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए बेसिकली इसको बॉर्डर करना होगा, क्योंकि ये कोई अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल सा मतलब कॉइन है। तो एक नॉर्मल सा मतलब ऑब्जेक्ट है जो कि इसके ऊपर कोई भी मतलब रूल फॉलो ही नहीं होता है, रियल वर्ल्ड का कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है। इसके लिए आपको ऐड कंपोनेंट पर जाना होगा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, उसके बाद फिजिक्स 2D पर जाइए और यहाँ बॉक्स कोलाइडर 2D आप इसे ऐड कर दीजिए। जब आप F पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर शायद मैं स्क्रीन जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ चारों तरफ ग्रीन ग्रीन लाइन ऐड हो रहा है जो कि बता रहा है कि अब ये एक फिजिक्स को फॉलो करने वाला ऑब्जेक्ट बन गया है। तो बेसिकली इस तरीका से अब हम लोग चीज़ों को बेसिकली एडिट कर, बॉक्स कोलाइडर देने से बेसिकली मतलब कोलाइड करने से बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है। यदि आप चाहते मतलब ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह अब ट्रीट होगा जो कि फिजिक्स को फॉलो करता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये जो कॉइन है वो फॉल कर जाए, कॉइन इस ग्रास प्लेटफॉर्म से सीधा फॉल कर जाए, तो फॉल कराने के लिए आप कॉइन को सेलेक्ट कर लीजिए और ऐड कंपोनेंट पर जाइए, और यहाँ फिजिक्स 2D पर जाने के बाद आप यहाँ रिजिड बॉडी आप यहाँ चूज कर लीजिए। जैसे आप रिजिड बॉडी चूज करते हैं और फिर आप उसके बाद यहाँ पर हमारे जो कॉइन है वो एनिमेटेड करते करते एनिमेशन के साथ नीचे फॉल कर जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं इस कॉइन को लैंड करवाना, तो क्या करना होगा, इस ग्रास को भी आपको मतलब सॉलिड बनाना होगा, क्योंकि ये अभी सॉलिड नहीं है, तो ये खुद को मतलब कोलाइड नहीं कर पा, कॉइन को कोलाइड नहीं कर पा रहा है और इसे होल्ड नहीं कर पा रहा है। कोलाइड करवाने के लिए आपको कॉइन को भी बॉक्स कोलाइडर आईडी का बेसिकली आपको कंपोनेंट ऐड कर देना है, और फिर जैसे ही आप यहाँ पर वापस इसे गेम विंडो में जा कर के प्ले करते हैं, इस बार देख सकते हैं ये बॉक्स के ऊपर बेसिकली कोलाइड कर गया है। मैं इसे यदि नीचे कर दूँ इस प्लेटफॉर्म को, तो यहाँ जहाँ तक मैं इस बॉक्स को नीचे किया वहाँ उसके ऊपर से ये कॉइन जो है वो एनिमेट करेगा। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बेसिकली ये रन कर रहा है, कभी आगे तो कभी पीछे, कभी आगे तो कभी पीछे। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही लेयर पर है, ये सारी चीज़ें एक ही लेयर पर है। यदि आप चाहते हैं इन सारी चीज़ों को एक लेयर से दूर करना, तो आप किसी को भी मतलब 0 से ज़्यादा लेयर प्रोवाइड कर दीजिए तो ये इसके ऊपर
ऊपर ही रहेगा और आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा। बेसिकली आप कॉइन को लेयर 10 दे दीजिए और फिर आप यहाँ पर और फिर जब आप यहाँ पर रखते हैं तो देख सकते हैं कॉइन जो है वो सबसे बाहरी लेयर पर है और जितनों भी 10 लेयर तक आप डालते हैं तो कॉइन के पीछे जाने का सवाल ही नहीं उठता है, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो इस तरीके से आप इन सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यूनिटी में, इसका यूज़ करके धीरे धीरे फॉलो करके आप बहुत सारी चीज़ों को एनिमेशन देना और भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। अब इस तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं और फिर भी अपना गेम में कुछ एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और एक खुद का एक लेवल बना सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं इन सारे टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो कि किस तरीके से बेसिकली टाइल्स को अरेंज करके हम लोग एक गेम बना सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगले ट्यूटोरियल में इसी पर डालूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बेसिकली आज के इस वीडियो में आपको समझाना चाहता किस तरीके से गेम बनाने का कॉन्सेप्ट वर्क करता है और दो तरीके से गेम बनाए जाते हैं यूनिटी में, एक टाइल बेस्ड और एक स्प्राइट बेस्ड। मैंने आपको दोनों के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। यदि आप चाहते हैं कि मैं टाइल बेस्ड पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो पे कम से कम मैं लाइक टारगेट करता हूँ 1000 लाइक्स के, आप इस पर दे दीजिए, मैं ज़रूर ये टाइल बेस्ड वाले गेम पर भी काम करूँगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन सो दैट वेन एवर आई विल अपलोड वीडियोज इन माई चैनल यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल ओवर द कंटेंट वट एवर आई विल अपलोड ऑन माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।